हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सरजी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे यूजीसी की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के क्या रही थी गाइस। तो आपको बता दें, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरी तरीके से यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार अपने यहाँ एग्ज़ाम कराने को तैयारी कर चुकी है जी गाइस। आखिरकार वो कौन सी यूनिवर्सिटी है आपको बता दें, देश की जी गाइस, अपने देश की वो मानी जानी यूनिवर्सिटी है और वो पूरी तरीके से यूजीसी के द्वारा बताई गई गाइडलाइन के अनुसार एग्ज़ाम कराने को तैयार है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है आपके लिए, बता दें कि अब कहीं ना कहीं यूजीसी की जो गाइडलाइन है उस पर जो यूनिवर्सिटियां हैं वो अपनी तैयारी कर रही हैं और एग्ज़ाम कराने को लेकर के तैयार है। फिलहाल इस बीच 10 अगस्त को, जैसा कि आप सभी को पता है जी गाइस, 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये यूनिवर्सिटियाँ एग्ज़ाम कराएंगी या फिर जो यूजीसी की गाइडलाइन जारी कर दी गई उसके अकॉर्डिंग। तो आइए, क्या है लेटेस्ट अपडेट देखते हैं यूजीसी की तरफ से जी गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे साथ आप जुड़ जाएं और आपको सभी लेटेस्ट यूनिवर्सिटियों की या यूजीसी की गाइडलाइन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मिल सके। तो आइए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूजीसी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है गाइस, यहाँ से आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे, यूजीसी गाइडलाइन 2020 लाइव अपडेट आपको यहाँ पर मैं जैसा कि अपने चैनल पर देता हूँ। तो DU फाइनल ईयर एग्ज़ाम जी गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर एग्ज़ाम 10 अगस्त से OBE ओपन बुक एग्ज़ाम शुरू, ईमेल और यहाँ पर मिलेंगे आपको पेपर जी गाइस। तो आपकी तैयारी कैसी हो पाई है, यहाँ के छात्र किस तरीके से पेपर देंगे, तो इसी पर हम बात करेंगे। वीडियो अगर बता दें आपको तो टाइम लाइव अपडेट में आप देख पा रहे होंगे आज की डेट में जी गाइस 8:36:52 की न्यूज़ है। तो कहने का मतलब, लेटेस्ट अपडेट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आइए देखते हैं क्या है पूरी बात, कैसे तैयारी की है DU यूनिवर्सिटी ने और किस तरीके से अपने यहाँ ये एग्ज़ाम कराने को लेकर के तैयारी कर चुकी है। फिलहाल आपको बता दें, इस COVID-19 के महामारी के बीच, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था, MMTUG का इस मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराई थी, हालाँकि यहाँ पर जो COVID-19 की जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, प्रोटोकॉल था, उसकी धज्जियाँ पूरी तरीके से उड़ा दी गई थी यूनिवर्सिटी के तो अंदर जी गाइस, यूनिवर्सिटी या सेंटर के अंदर तो कहीं ना कहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात फॉलो की जा रही थी, लेकिन रास्ते में या गेट के बाहर पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी गई थी। फिलहाल आपको बता दें, विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर खींचातानी अभी बाकी है। इस तरफ एक छात्र कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आने से बचने के लिए एग्ज़ाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर UGC कोरोना काल में कैसे परीक्षा आयोजित कराएगी या की जा सकती है, इसका ताना बाना बुन रही है। आपको बता दें, UGC की जो रवैया है छात्रों को लेकर के पूरी तरीके से परेशानी में डाल दी है। दोनों ओर से अपनी बात मनवाने की जोर आजमाइश चल रही है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा, और कहीं ना कहीं आपको बता दें विश्वविद्यालय UGC की तरफ से भी बात मनवाने को यूनिवर्सिटियों को एक गाइडलाइन जारी की गई है कि 30 सितंबर तक अपनी जो है फाइनल ईयर की परीक्षाएं किन प्रकारेण आपको करा लेनी है, जिससे कि सभी छात्रों को फाइनल ईयर को डिग्री आसानी हो देने में। फिलहाल यह छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, बिना परीक्षा डिग्री देना UGC की नीतियों के विपरीत है। आज इन बातों से नाखुश 13 राज्यों और जी गाइस UT अर्थात यूनियन टेरिटरीज से 31 छात्रों के द्वारा याचिकाकर्ताओं ने UGC के दिशा निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल सुनवाई से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जी गाइस, जैसा कि कल की डेट में, दिल्ली विश्वविद्यालय को अंतिम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम की जो थी कराने की बात आयोजित करने को लेकर के 10 अगस्त के निर्देश को जारी कर दिया है, उसके लिए हरी झंडी दे दी है। फिलहाल आपको बता दें कि 10 अगस्त को ही फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का और 10 अगस्त को यहां पर स्टार्ट होने वाला है OBE ओपन बुक एग्ज़ाम, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो OBE में क्या होगा आने वाला दिन ही बताएगा, 10 तारीख को क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर देगी या फैसले का इंतज़ार करने के बाद। तो आपको बता देगा इस बता दें कि मुश्किल समय में पूरे मसले को सुलझाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में पिछली 2 सुनवाई कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, अब कोर्ट में 10 अगस्त के लिए सुनवाई टाल दी गई है और 10 अगस्त को कहीं ना कहीं DU यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एग्ज़ाम कराने को लेकर के तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय में अब दोनों पक्षों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतज़ार है। UGC मानव संसाधन विकास मंत्री, ये दोनों पक्ष अब देख रहे हैं कि UGC के इस
अर्थात हमारे इस फैसले को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। इससे पहले छात्रों ने हैशटैग स्टूडेंट अगेंस्ट स्टेट ऑटोनॉमी के साथ ट्विटर पर एक अभियान चलाया है, जिसमें वरुण देसाई, आदित्य ठाकरे, अभिषेक सिंघवी, महाराष्ट्र के छात्र संघ शामिल हैं। वे भारत भर के छात्रों से आगे आकर अपनी शिक्षा और भविष्य के लिए बोलने की अपील कर रहे हैं कि आप आगे आइए और अपनी आवाज़ उठाइए, नहीं तो UGC और HRD मंत्री हमको जो है छोड़ेंगे नहीं। तो गाइस, आज की ये जो बातें थी, हमने आपको बताया आखिरकार डी यूनिवर्सिटी किस तरीके से तैयारी की है। आने वाला वक्त ही बताएगा, आपके ईमेल पर आपका जो है पेपर भेजा जाएगा और आप को पूरी तैयारी के साथ एक गाइडलाइन के साथ ही आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब ये 10 अगस्त को ही डिक्लेयर हो पाएगा। फिलहाल थोड़ी सी नज़र हम आज के लाइव ब्लॉग पर डालते हैं, क्या है आज की लाइव ब्लॉग की। तो लाइव ब्लॉग में आप देख पा रहे होंगे 20/36 की जी गाइस, लगभग 8 बजे की न्यूज़ है, 8:30 बजे की। आयोजित परीक्षा आयोजित करने के लिए अपने फैसले को दोहराया, UGC अपने इस फैसले को कहीं ना कहीं पीछे नहीं ले रहा है और इसकी बातें दोहराने की बात कर रहा है। गाइस, फैसले पर विचार करने के बजाय वो पूरी तरीके से अपने उसी फैसले को बार बार दोहरा रही कि आप पूरी तरीके से एग्ज़ाम कराइए। कई कुलपतियों की परीक्षा आयोजन के खिलाफ मतदान है। ऐसे में काफ़ी कुलपति हैं जो इसके खिलाफ हैं कि परीक्षा इस सिचुएशन में नहीं कराई जा सकती। लाइव ब्लॉक अगर 1941 की बात करें तो विश्वविद्यालय के कुलपतियों मौजूदा हालात का जायजा लेकर पाया एग्ज़ाम संभव नहीं। इसी का इजदार हलफनामा में ऐसी बात कही गई है। फिलहाल UGC को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है और इस साथ साथ दिल्ली ने तो पहले ही इस बात को कह दिया है। तो लाइव ब्लॉक में बात करें, नहीं है पुरानी और नई गाइडलाइन में कोई अंतर। तो पुरानी और नई गाइडलाइन में, जैसा कि जो 29 अगस्त को जारी किया गया था और जो यहाँ पर 6 जुलाई को, तो दोनों एक ही जैसी हैं। वहाँ भी एग्ज़ाम कराने की बात कही गई थी और इसमें भी एग्ज़ाम कराने की। गाइस, UGC नहीं चाहती कि आपको जो है पूरी तरीके से प्रमोट किया है। UGC ने बताया, आंतरिक मूल्यांकन आधार नहीं, इन मोड में होनी चाहिए परीक्षाएं। ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित मोड में आप एग्ज़ाम करा के ही फाइनल ईयर के छात्रों को पूरी तरीके से जो है उनकी मार्कशीट प्रोवाइड करें। ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए हाई लेवल की तकनीकी की ज़रूरत नहीं है। अब देखना है कि क्या ओपन बुक एग्ज़ाम 10 अगस्त को हो पाता है या नहीं। तो गाइस, लाइव ब्लॉक में ऐसे ही कुछ बातें हैं जैसा कि मैं पिछले दिनों में आपको बताता रहता हूं। फिलहाल कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं थी यहां पर। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को लेकर के DU में जो तैयारी हो चुकी है वो 10 अगस्त को कहीं ना कहीं करा ली जाएगी। तो गाइस, ये थी पूरी बात इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आप सभी से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और कमेंट के जरिए अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, जिससे कि एग्ज़ाम 10 तारीख को जो हो उसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जी गाइस, सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन की भी बात कर दी जाए और 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे देना होगा। अगर नेक्स्ट कोई तारीख देते हैं तो ये छात्रों को लेकर के और परेशानी क्रिएट करेगा। फिलहाल ये 10 अगस्त ही डिक्लेयर करेगा कि छात्र की परीक्षाएँ होंगी या नहीं। तो थैंक यू गाइस लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में नए गाइडलाइन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।